पुणे एवं महाराष्ट्र स्थिति में बहुत ही अंतर है। पुणे में जैसे आज के दिन हमारा पूर्वानुमान रहेगा लाइट टू मॉडरेट रेन, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर से लेके 6.5 सेंटीमीटर तक बारिश एक दिन 24 आवर्स में एक्सपेक्टेड। एवं यहाँ पे कल बेसिकली जो बंगाल के खाड़ी में बना हुआ गहरा कम दाब क्षेत्र आगे आ रहा है, उसका इफेक्ट में कल इवनिंग आफ्टरनून थोड़ा स्पेल्स ऑफ हेवी रेन पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकता। अदरवाइज आज एवं कल मोर और लेस लाइट टू मॉडरेट रेन, बट कल वी आर एक्सपेक्टिंग कि बारिश पुणे में थोड़ा बढ़ जाएगा एवं इसमें ज़्यादा कुछ खतरा नहीं। लेकिन पुणे जिला का जो घाट एरिया यानी कि सेंट्रल मध्य महाराष्ट्र, ईस्ट मध्य महाराष्ट्र ये जगह एवं साथ में प्रदेश का स्पेशली नॉर्थ कोंकण एवं नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र ये जगह पे खास कुछ सुधार नहीं है, यानी कि वेदर बहुत ही खराब रहेगा। इसमें जो स्थिति देखने को मिल रहा है, एक तो जो बंगाल के खाड़ी वाला गहरा कम दाब क्षेत्र आगे आना शुरू कर दिया, करंट लोकेशन उसका ओडिशा झारखंड होते हुए आगे आ रहा है, एक्सपेक्टेड कल से उसका इफेक्ट विदर्भ के ऊपर शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति में और एक ऊपरी हवा चक्रवात जो पिछले कुछ दिनों में बना हुआ था मिड ट्रॉपोस्फेरिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दैट इज ओवर साउथ गुजरात नॉर्थ कोंकण एरिया एवं उसका स्ट्रेंथ कल जो था उससे स्लाइटली बढ़ गया। लेकिन साथ साथ में जो सीआर जोन आपका जो जोन ऑफ कन्वर्जेंस ये जो वेस्टर्नली विंड को विंड से और ज़्यादा बारिश दे रहा था तो वो वाला अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ जो था कमज़ोर हो गया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट हमने जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा चार संभागों के लिए, कोंकण गोवा यहाँ पे अगला 5 दिन वाइड स्प्रेड रेन मतलब 76% एरियाज या उससे ज़्यादा एरिया में बारिश होगा। बारिश मोस्टली मॉडरेट टू हेवी इवन वेरी हेवी रेन। आपका एटलीस्ट 3 दिन कोंकण गोवा में एक्सपेक्टेड है भारी से अति भारी वर्षा। भारी वर्षा मतलब आपका 6.5 से लेके 11.5 सेंटीमीटर ए डे, 24 घंटे में इतना बारिश, तो उसे भारी बारिश बोला जाता है। अति भारी बारिश मतलब 11.5 से लेके 20.5 सेंटीमीटर तक, तो यह है अति भारी बारिश। एवं आज कल ये 2 दिन स्कैटर्ड यानी कि कुछ कुछ जगह भारी से अति भारी बारिश संभावना